फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपंच स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आई भर्ती 2019 में टोटल पोस्ट 6379 पोस्ट पर, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगले मंथ से आप लोग की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, वो भी काउंसलिंग डेट के रिगार्डिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग लिस्ट कब आएगा और काउंसलिंग डेट कब तक दी जा सकती है, इन्हीं के रिगार्डिंग आप लोग को एक अपडेट देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। तो आप लोग पूरा का पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते रहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आए, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बोलें। और अभी तक इस चैनल को पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन बटन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं क्या है आप लोग के लिए एक अपडेट। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी जेई की काउंसलिंग, और आप लोग की ही बात हो रही है सितंबर के दूसरे सप्ताह में। तो जैसा कि देख रहे हैं आज के पटना न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट दी गई है, और आइए आप लोग को पढ़कर बताते हैं क्या है आखिर इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। जेई की काउंसलिंग सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी, इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चिकित्सकों की काउंसलिंग का रिजल्ट प्रकाशित करने के तुरंत बाद तैयारी शुरू कर देगा। जेई की लगभग 6000 वैकेंसी के लिए दो चरणों में लगभग 98000 जूनियर इंजीनियरों ने आवेदन दिया है। इसमें पहली बार विज्ञापन प्रकाशित होने पर 92000 आवेदकों ने आवेदन दिया था, जबकि आयु सीमा में छूट मिलने पर 6000 नए अभ्यर्थियों ने दूसरी बार दिए गए मौके में आवेदन दिया है। हालांकि इनमें से केवल 19000 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इसके लिए NIC की मदद से सभी आवेदकों की मेघा सूची तैयारी की जाएगी, और उनमें से आरक्षण श्रेणीवार पदों की संख्या से लगभग 3 गुने आवेदकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और एक इधर है न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कटिंग आई है, और 3 महीने चलेंगी काउंसलिंग। और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि अभी जो कंडीशन चल रहा है कोविड का, जिसके कारण बहुत सारे 50% ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब कि ये कि जेई काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की संख्या 19000 होगी, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए अधिकतम क्षमता के 40 से 50% तक अभ्यर्थियों को ही एक दिन में काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकेगा। ऐसे में एक महीना में 6000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संभव नहीं हो पाएगी, और उसे पूरा होने में लगभग 3.25 महीना लग जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं, यही आप लोग का पिछले न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि आप लोग का दिसंबर तक आप लोग की नियुक्ति प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस, और सितंबर में शुरू करने का हो रहा प्रयास। और ये प्रयास है आप लोग का सितंबर के दूसरे सप्ताह में जेई की काउंसलिंग शुरू करने का, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के होने के कारण यह 3 महीने से अधिक लंबा चलेगा, और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और ये जैसा कि देख सकते हैं, अजय कुमार चौधरी अध्यक्ष हैं BSRTC का। और आप लोग को बताना चाहेंगे, तो ये तो थी आप लोग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग लिस्ट कहें तो वो कब तक आ सकता है। तो बताना चाहेंगे, 15 दिन पहले आप लोग की काउंसलिंग लिस्ट रिलीज की जाती है, तो आप लोग ये मानकर चलें कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग की काउंसलिंग लिस्ट और काउंसलिंग डेट के रिगार्डिंग ऑफिशियल न्यूज़ भी आ सकता है आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।